आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 27 सितंबर को 1925 में डॉक्टर केशव हैंकोवर द्वारा नागपुर में की गई। आरएसएस ने समय समय पर देश के विकास के लिए कई कार्य किए। नियमित रूप से यहाँ बैठकें भी आयोजित होती थी। आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक रूप में दर्शाता है। ये एक ऐसा संगठन है जो देश भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, साथ ही हिंदुत्व के विचारधारा को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा देता है। नमस्कार, मैं हूँ साधना शर्मा, स्वागत है आप सभी का। ये सवाल कई बार उठता है कि क्या आरएसएस के सदस्य बनने के लिए हमें सिर्फ हिंदू होना पड़ेगा, या गैर हिंदू आरएसएस के सदस्य नहीं बन सकते हैं? तो आज हम आपको इसका उत्तर देंगे। देश भर में आरएसएस की कई स्कूल, चैरिटी संस्थाएं, विचारों प्रसार के लिए क्लब होते हैं, जहां ये संत सिर्फ 5 लोगों से शुरू हुआ था, आज देश भर में 50,000 से भी ज्यादा शाखाएं हैं इसकी, और इससे कई लोग जुड़े हुए हैं जो स्वयं सेवक के तौर पर देश भर में प्रख्यात हैं। आपको बता दें, ये विश्व में सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थान मानी जाती है। इसके बाद यहाँ किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फी नहीं होता है और इनका झंडा रजिस्ट्रेशन फी नहीं होती है। यानी कि अगर आपको इस संघ का सदस्य बनना है तो आपको किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं अदा करना होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप आरएसएस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जिस भी जाति धर्म के हो, आप आरएसएस के सदस्य बन सकते हैं। आरएसएस की सदस्यता पाने के लिए कोई औपचारिकता प्रक्रिया नहीं है, ना किसी भी तरीके का पंजीकरण फीस अदा नहीं करनी होती है। एक बार अगर आप शाखा में भाग लेने लगते हैं तो उसे सदस्य के रूप में मान्यता मिल जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सर्च ऑप्शन जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।